Hello students, welcome to our current affair class. In this class we will discuss some important current affairs. तो आज की क्लास में हम 1st टू 2nd सितंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स ऑफ 1st एंड 2nd सितंबर 2024। इन टुडेज सेक्शन वी विल डिस्कस सम बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज। सो आज की क्लास में हम कुछ बैंकिंग और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो डिस्कस सम न्यूज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। अगर कोई रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है या अभी किसी ने रिजाइन दिया है कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन से तो वो कवर करेंगे। वी विल ऑल्सो डिस्कस सम डिफेंस न्यूज, सम इंटरनेशनल न्यूज, सम नेशनल न्यूज, सम ऑब्चरीज, सम इम्पोर्टेंट डेज, सम स्टेट न्यूज एज वेल एज रीसेंट अवार्ड एंड रिकग्निशन न्यूज, और लास्टली वी विल डिस्कस सम स्पोर्ट्स न्यूज। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारी स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और स्वामियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली न्यूज जो किससे रिलेटेड है, बैंकिंग एंड बिजनेस से रिलेटेड है। तो रिसेंटली नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट ऑन एडिबल ऑयल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। सो समझते हैं एक बार। अभी नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक कमीशन है जिसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एस्टेब्लिश किया गया था। अभी उसने एडिबल ऑयल ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द रिपोर्ट। ऑन अगस्त 29, 2024 सुमन बेरी हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, सुमन बेरी, रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल पाथवेज एंड स्ट्रेटेजिक फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल टुवर्ड्स द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। सो डॉक्टर नीलम पटेल हु इज सीनियर एडवाइजर एट नीति आयोग प्रेजेंटेड द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय नीलम पटेल। द रिपोर्ट आउटलाइन स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन टू अचीव प्रोजेक्ट एडिबल ऑयल सप्लाई ऑफ 36.2 मिलियन टन बाय 2030 एंड 70.2 मिलियन टन बाय 2047। तो क्या टारगेट रखा गया है एडिबल ऑयल के बेसिकली प्रोजेक्शन के लिए, सप्लाई के लिए? तो 36.2 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030 एंड 70.2 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करेंगे बाय 2047। हेयर आर सम अदर की पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज। सो कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं नीति आयोग की एडिबल ऑयल ग्रोथ स्ट्रेटेजी रिपोर्ट से रिलेटेड। Retaining and diversify oilseed crops and focusing on area potentially lost to cereal cultivation could increase the country's edible oil production by 20% in 9 states. तो 20% क्या हो सकता है? 9 राज्यों में खाद्य तेल की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है अगर हम अनाज की खेती के लिए संभावित रूप से खोए गए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें तो। Adding 7.36 million ton of oil and reducing import dependency by 2.1 million ton. और क्या कर सकते हैं हम? जो import है, जो हम depend हैं दूसरी countries के ऊपर, उसे भी reduce कर सकते हैं by 2.1 million ton. Utilizing 33% of rice fallow area in 10 states for oilseed cultivation could increase oilseed production by 3.12 million tons and reduce imports by 1.03 million tons. क्लियर। सो ये रिपोर्ट है नीति आयोग की जो अभी रिलीज करी गई है बाय डॉक्टर नीलम पटेल। नेक्स्ट इज जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज बाय 10% टू 1.7 लाख करोड़ इन अगस्त। तो अगस्त में जो जीएसटी कलेक्शन था वो 10% बढ़कर कितना हो गया है? 1.7 लाख करोड़। सो इंडिया जीएसटी कलेक्शन फॉर अगस्त 2024 रीच 1.75 लाख करोड़, 10% इंक्रीज फ्रॉम 1.5 लाख करोड़ इन अगस्त 2023। This growth reflect strong domestic consumption and higher imports. The central government collected 30.3
1,862 करोड़, while state collected 38,411 करोड़ before adjustment. तो सेंटर गवर्नमेंट ने कितना कलेक्ट किया है? 30,862 करोड़, एंड स्टेट गवर्नमेंट ने 38,411 करोड़. IGST on import and interstate sale amounted to 93,621 करोड़. और इंटीग्रेटेड GST कितनी कलेक्ट की गई है? 93,621 करोड़. क्लियर? तो ये डेटा याद रखना है आपको, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? बाय 10%. नेक्स्ट न्यूज इज फॉर CPSE. व्हाट इज CPSE? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ग्रांटेड नवरत्नाज स्टेटस. अभी भारत में टोटल 21 नवरत्नास थी, अभी चार और नई कंपनीज को नवरत्नास का स्टेटस मिला है, तो अभी भारत में टोटल कितनी नवरत्नास हो गई हैं? 25 नवरत्नास हो गई हैं. सो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज ग्रांटेड नवरत्नास स्टेटस टू 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस: रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एंड सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड. सो ये अभी चार ऑर्गेनाइजेशन हैं, RCIL, SECI, NHPC एंड SJVN, जिन्हें अभी किसका दर्जा मिला है? नवरत्नास का स्टेटस मिला है. तो दिस इंक्रीज एज द नंबर ऑफ नवरत्नास CPSE फ्रॉम 21 to 25. तो ये इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 21 से 25 हो गया है. क्लियर? ओके, तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड. RCIL, अ मिनी रत्ना PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, नोन एज रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिपोर्टेड अ टर्नओवर ऑफ 2,622 करोड़ एंड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 264 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024. दैट्स व्हाई दिस कंपनी गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्नास. SECI Limited under the Ministry of New and Renewable Energy achieve a turnover of 13,035 crore and a net profit of 436 crore for financial year 24. NHPC under the Ministry of Power recorded a turnover of ₹8,405 crore and a net profit of 3,744 crore in financial year 24. SJVN, a joint venture between the Government of India and the Government of Himachal Pradesh, reported a turnover of ₹2,833 crore and a net profit of 908 crore for financial year 24. So, ye basically inka turnover or net profit hai, just wajah se they got the status of Navratnas. Clear? Next is banking and business news. RBI launch scheme for sovereign green bond in IFSC. So on August 29, 2024, the Reserve Bank of India launched a scheme for trading and settlement of sovereign green bond in the international financial system in India. So abhi green bond launch kiye gaye hain RBI ke through under International Financial Service Center, Antarrashtriya Vittiya Seva Kendra. The scheme aimed to facilitate investment in SGRBS issued by the Government of India to eligible foreign investors in the IFSC. Clear? So, kuch key points dekh lete hain is news se related. Simply, aapko yaad rakhna hai, RBI launch a scheme for sovereign green bond in IFSC. Eligible foreign investors can participate in RBI primarily auction of sovereign green bond and engage in secondary market transaction within the IFSC. Secondary market means capital market. Investor must comply with the Government Securities Act 2006 and the Foreign Exchange Management System 1999. So, jo niveshak hain wo sarkari pratibhuti adhiniyam 2006 aur videshi mudra prabandha adhiniyam 1999 ka palan karenge tabhi wo nivesh kar payenge. Clear? Next is also a banking and business news. So HDFC Bank introduced Giga for gig workers. So HDFC Bank ne gig workers ke liye kya launch kiya hai? Giga launch kiya hai. So HDFC Bank has introduced Giga, a comprehensive financial suite tailored for gig workers and freelancers in India. This program addresses the unique financial need of the gig economy. So kuch features dekh lete hain is gig aur Giga ke basically. Flexible saving accounts with optional like systematic investment plans. So flexible saving accounts milenge jisme systematic investment plan ka option hoga, fixed deposit ka FD ka option hoga and RD ka option hoga. Giga business credit card offer a 50
5 डे इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, तो क्या मिलेगा, 55 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलेगा और क्यूरेटेड ऑफर्स मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय HDFC इर्गो विद प्रीमियम स्टार्टेड एट ₹20 पर डे। क्लियर, तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा जिसमें ₹20 पर डे के हिसाब से आप इंश्योरेंस बेसिकली क्या कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ दिस रिटेल एसेट्स प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कोलेट्रल फ्री बिजनेस लोन एंड कार लोन फाइनेंशियल अप टू 100% ऑफ एन ऑन रोड वैल्यू। तो ये सब बेसिकली चीजें हैं जो प्रोवाइड होंगी। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज। पेटीएम रिसीव MOF अप्रूवल फॉर डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। सो पेटीएम ओन्ड बाय 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड हैज रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल फॉर डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट इन टू पेटीएम सर्विस आर्म्स पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। तो अभी परमिशन मिल गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि पेटीएम सर्विस आर्म्स में ये इन्वेस्ट कर सकता है और उसके साथ साथ पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकता है। फॉलोइंग दिस अप्रूवल PPSL विल रीसबमिट इट एप्लीकेशन फॉर अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो इस मंजूर के बाद PPSL भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अपना आवेदन फिर से जमा करेंगे। नेक्स्ट इज मूडीज रेट इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्टिंग। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 से के लिए मूडीज ने जो भारत की GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है वो की है 6.6%, जो प्रीवियसली इसने डिसाइड की थी 6.5%। सो मूडीज रेटिंग हैज रेज इंडिया GDP ग्रोथ forecast to 7.2% for the calendar year finance 2024, previously it estimated of 6.8%, and for financial year 2025 to 2024 ke liye 7.28% and 2025 ke liye 6.6%. This reflect strong broad based growth driven by resilient private consumption and improved business condition. तो यह मजबूत व्यापक आधारिक वृद्धि को दर्शाता है जो लचीले निजी उपभोग और बेहतर व्यवसायिक परिस्थितियों से प्रेरित है। नेक्स्ट इज सेबी अप्रूव रीअपॉइंटमेंट ऑफ नेहा वोरा एज MD एंड CEO ऑफ CDSL। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ नेहाल वोरा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंधक के रूप में अभी किसे अपॉइंट किया है, निहाल वोरा को। ही वाज फर्स्ट अपॉइंटेड इन सितंबर 2019। तो पहले इसे कब अपॉइंट किया गया था, सितंबर 2019 में अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट इज राजविंदर सिंह भाटी अपॉइंटेड एज अ DG ऑफ CISF। तो राजविंदर सिंह भाटी अ 1990 बैच IAS IPS ऑफिसर ऑफ द बिहार कैडर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो राजविंदर सिंह भाटी जो 1990 बैच के IPS ऑफिसर थे बिहार कैडर के, हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ही विल होल्ड द पोस्ट अंटिल हिज सुपर एनुएशन ऑन सितंबर 30 2025। तो जब तक वो सेवानिवृत्ति नहीं हो जाती है, जब तक वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, 30th ऑफ सितंबर 2025 तक वो इस पोस्ट को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट इज एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित टेक ओवर एज अ AOC इन सेंट्रल एयर कमांड। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने मध्य वायु कमांड के AOC इन सी के पद के रूप में पदभार संभाला है। तो सिंपली क्वेश्चन है, आशुतोष दीक्षित अज्यूम द रोल ऑफ द एयरफोर्स कमांडर इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड ऑन 1st सितंबर। कमीशन इन टू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन 1986, एयर मार्शल दीक्षित इज एन एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट एंड द क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर विद ओवर 3300 ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज वी सतीश कुमार टेक्स एडिशनल चार्जेस IOCL चेयरमैन। तो वी सतीश कुमार द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज टेकन ऑन द एडिशनल रोल ऑफ चेयरमैन फॉलोइंग द एंड ऑफ श्रीकांत माधव वैद्य टेन्योर। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विपणक्षण निर्देशक वी सतीश कुमार ने श्रीकांत माधव वैद्य के कार्यकाल की समाप्ति के बाद अध्यक्षता का अतिरिक्त यानी एडिशनल चार्ज संभाला है। क्लियर, कुमार हैज बीन with IOCL for 35 years and has held key position across various reason. Next is Vice Admiral Rajesh Dhanka take over as a DG of Project Seabird. So Project Seabird ke
न्यू वाइस बेसिकली डीजी किसे अपॉइंट किया गया है, वाइस एडमिरल राजेश धनकर को। तो सिंपली क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल राजेश धनकर हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सीबर्ड ओवरसीइंग द लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट द कारवा नवल बेस इन कर्नाटक। तो सीबर्ड कहां पर चल रहा है, कारवा नवल बेस कर्नाटक में। नेक्स्ट इज सिंगापुर एयरलाइन रिसीव एफडीआई अप्रूवल फॉर विस्तारा एयर इंडिया मर्ज। तो क्या हुआ है, सिंगापुर एयरलाइन को विस्तारा एयर इंडिया विलय के लिए एफडीआई की मंजूरी मिल गई है। तो अभी सिंगापुर और विस्तारा एयरलाइन क्या हो जाएंगी, आपस में मर्ज हो जाएंगी। तो सिंगापुर एयरलाइन लिमिटेड हैज रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज पार्ट ऑफ द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ विस्तारा विद एयर इंडिया लिमिटेड। द मर्जर विल क्रिएट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरलाइन ग्रुप। तो इस मर्जर के बाद ये क्या हो जाएगी, दुनिया के सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज, रिसेंटली इंडिया एंड सऊदी अरेबिया साइन ए एमओयू फॉर पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन। सो द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया हु इज गिरीश चंद्र मुर्मू हैज साइंड एन MOU with the General Court of Audit Kingdom of Saudi Arab to enhance bilateral cooperation in public sector auditing. The MOU was signed by Gireesh Chandra Murmu, the CAG of India, and Hussam Al Angari, President of the Saudi General Court of Audit. Clear? तो भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र सहयोग के लिए क्या साइन किया है, एक पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन के लिए MOU साइन किया है। तो क्या होगा इस एमओयू में, जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंप्लायंस ऑडिट्स, बेसिकली जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टार्ट किए जाएंगे। उसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ ऑडिट मैनुअल एंड मेथोडोलॉजी टू बूस्ट कैपेसिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज, जीएसएल लॉन्च इंडिया फर्स्ट पीसीवी समुद्र प्रताप। जीएसएल ने भारत का पहला पीसीवी समुद्र प्रताप लॉन्च किया। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हैज लॉन्च द पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप फॉर द इंडियन कोस्टल गार्ड। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किया है, बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल नोन एज समुद्र प्रताप फॉर इंडियन कोस्टल गार्ड अभी लॉन्च किया। दिस इज द फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ड पीसीवी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड एंटायरली इन हाउस बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये पूरी तरह से कहां पर बनाया गया, गोवा शिपयार्ड यूनिट में बनाया गया है, और पूरी तरह से ये इंडिजीनियस मींस स्वदेशी बिल्ड पीसीवी। नेक्स्ट इज अ नेशनल न्यूज, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेलिब्रेट 7th फाउंडेशन डे। सो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेलिब्रेटेड 7th फाउंडेशन डे ऑन सितंबर 2, 2024। तो 2 सितंबर 2024 को ये अपना 7th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। इट वॉज लॉन्च इन 2018 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ऑफरिंग accessible and affordable digital banking service to undeserved and unbanked families across India. Clear? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू किए गए IPPB ने भारत भर में कम सेवा वाले और बैंक रहित परिवारों को सुलभ और किफायती डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस एट इकोनॉमिकल टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक एट द इकोनॉमिकल टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम इन न्यू दिल्ली। तो इकोनॉमिकल टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम सेलिब्रेट की गई थी न्यू दिल्ली में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर फोरम से बात की। ही हाईलाइट इंडियाज इंप्रेसिव इकोनॉमिकल ग्रोथ, Noting that the economy has grown by 90% over the past decade. Last 10 साल में 90% भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, compared to the global economy 35% growth. और अगर हम इसे global economy की बात करें तो उसमें सिर्फ 35% की वृद्धि हुई है। He credited this success to ongoing reforms and assured that the government is committed to further growth. तो उन्होंने इस सफलता का श्रेय चल रहे सुधारों को दिया और आश्वासन दिया कि सरकार आगे की वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज कोमेमोरेटिव स्टैम्प फॉर 75 इयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज ए कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क 75 ईयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
So this event took place during the District Judge Conference in New Delhi and was attended by Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud, who is Minister of Law and Justice, Arjun Ram Meghawal and other dignitaries. क्लियर. तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी लॉन्च 7th राष्ट्रीय पोषण माह 2024. तो यूनियन मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्ण देवी लॉन्च द 7th राष्ट्रीय पोषण माह एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात. तो ये राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ पर लॉन्च किया गया है, गांधीनगर गुजरात में, और किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, बाय अन्नपूर्ण देवी. क्या पर्पस है इस पोषण माह का, कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है अबाउट न्यूट्रिशन एंड वेल बी. इट वॉज अटेंडेड बाय गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, मिनिस्टर ऑफ व्यूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भानुबेन बबरिया एंड सीनियर ऑफिसर फ्रॉम बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज 2-डे ह्यूमन राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंक्लूडेड सक्सेसफुली. So next is national news. Ministry of Skill Development and Enterprises and Visa Partner to Upskill 20,000 Youth. So the Ministry of Skill Development and Enterprises has signed a memorandum of understanding with Visa Inclusive to upskill at least 20,000 Indian youth in tourism relevant skill. This 3-year partnership is worth up to $1 million. So ye partnership 3 saal ki hogi, jiski keemat kitni hogi, lagbhag $1 million. So, कुछ key points देख लेते हैं about this partnership. The partnership aim to train young people in 10 states. तो इसके अंदर क्या होगा? 10 states के young peoples को train किया जाएगा, skills provide की जाएंगी, including Assam, Gujarat, Himachal Pradesh and West Bengal to improve tourism service experience. A part of this, it will focus on key position in the domestic tourism sector such as tour guides, custom service executive, naturalistic and tandem paragliding pilots. Clear. Next is also a national news. GRSE, the Garden Research Shipbuild and Engineering Limited, and NHIDCL, which is National Highway Infrastructure Development Corporation Limited, sign MOU for modular bridge. So the Garden Research Shipbuild and Engineering Limited has signed a MOU with the National Highway Infrastructure Development Corporation Limited for the fabrication supply and launching of double lane class 7 modular steel and ballet bridge. This will enhance connectivity in critical forward area along India's border. ये भारत की सीमाओं के साथ महत्वपूर्ण अग्रिम के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा. Next is the obituary news. Renowned lawyer A.G. Noorani passed away. So Abdul Ghaffar Mojain Noorani, who was a renowned constitutional expert, lawyer and author, passed at the age of 94 in Mumbai. He was known for his extensive work in constitutional law and his writing on various legal and political issues. So बहुत सारे कानूनी और राजनीतिक मुद्दों पर अपने लेख लिखे थे उन्होंने. तो अभी उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई. Next news is related to the important day. International Day for People of African Descent 2024. The United Nations International Day for People of African Descent is observed annually on August 31st to celebrate the contribution of African diaspora and eliminate discrimination against people of African descent. So, जो अफ्रीका समुदाय के लोग हैं उनके डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशन के थ्रू 31 अगस्त को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है. और इस बार ये क्या है, 4th ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे. इस बार ये चौथा आयोजन है इस दिन का. नेक्स्ट इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024, जो सितंबर 1 से 7 तक सेलिब्रेट किया जाएगा. तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 1 टू 7. दिस वीक लॉन्ग इवेंट एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रमोट हेल्थी ईटिंग हैबिट्स अमंग पीपल ऑफ ऑल एजेस. क्लियर. तो हेल्थी ईटिंग हैबिट्स को बढ़ावा दिया जा सके और न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया जा सके, इस वजह से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड कोकोनट डे 2024 ऑब्जर्व ऑन सितंबर 2. तो हर साल वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट करते हैं हम. इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2009 बाय द एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी एंड ऑब्जर्व ऑन सितंबर 2.
The APCC representing 19 coconut producing countries chased the date to commemorate its founding in 1969. Next is the state news. Bihar Rajgir to host 2024 Women Asian Championship Trophy. So Bihar ke Rajgir mein 2024 ke liye Women Asian Championship Trophy kya ki jayegi, conduct ki jayegi for hockey. So Hockey India announced that the 2024 Women Asian Championship Trophy will be held in Rajgir, Bihar from November 11 to 20. तो 11 नवंबर से 20 नवंबर तक ये ट्रॉफी क्या की जाएगी, सेलिब्रेट की जाएगी. दिस टूर्नामेंट विल टेक प्लेस एट द न्यूली कंस्ट्रक्टेड राजगीर हॉकी स्टेडियम वेयर इंडिया विल डिफेंड इट्स टाइटल अगेंस्ट टीम फ्रॉम चाइना, मलेशिया, जापान, थाईलैंड एंड कोरिया. क्लियर? तो इन कंट्रीज से यहां पर टीम आई. Next news is related to the awards and recognition. Recently, President Emmanuel Macron, who is the president of France, awarded Olympic Order in Gold for Paris 2024. So, in Paris, mein award conduct kiye gaye the. So, inhe kya diya gaya hai? Olympic Order in Gold. So, President Emmanuel Macron of France received the Olympic Order in Gold from the International Olympic Committee for his significant contribution to the Olympic movement and success of Paris 2024 games. His efforts symbolize global unity and the enduring power of sports. Next is also awards and recognition news. Legendary animator Hayao Miyazaki received prestigious Raman Magsaysay Award. So Hayao Miyazaki, the renowned Japanese film director and co-founder of Studio Ghibli. तो ये जापानीज़ फिल्म डायरेक्टर एंड कोफाउंडर है स्टूडियो जिबली के, वाज अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2024. तो अभी इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ऑफन कॉल्ड एशियाज नोबेल प्राइज. तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? एशियन बेसिकली नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज और लास्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स न्यूज. तो रिबीना फ्रांसिस विन ब्रॉन्ज इन व्यूमेन 10 मीटर एयर पिस्टल SH1. तो रुवीना फ्रांसिस वोन अ ब्रोंज मेडल इन व्यूमेन 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट एट द पेरिस पैरा ओलंपिक ऑन अगस्त 31. तो पेरिस में अभी ओलंपिक खत्म हुए हैं, पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, तो वहां पर रुवीना फ्रांसिस ने ब्रोंज मेडल जीता इन 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट्स में. हर अचीवमेंट इज अ टेस्टामेंट टू हर ग्रिट एंड रिसाइलेंस ओवरकमिंग न्यूमरस चैलेंजेस टू रीच द पोडियम. क्लियर? Next is Preeti Pal become first Indian woman to win 2 Paralympic medal in athletes. तो पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने Paralympic के अंदर athletes में एक साथ 2 medal हासिल किए हैं. तो Indian para athlete Preeti Pal won a bronze medal in women 200 meter with a personal best time of 30.01 and T35 finale with a personal best time of 30.01 seconds. She became the first Indian woman para athlete to win 2 more medals at the Para Olympic. Next or last is Nishad Kaur silver jump at to India's medal hoard at Para Olympic. So Nishad Kaur ne bhi kya jeet liya, silver medal jeet liya in men's T47 high jump at Paris Para Olympic on September 2. He recorded his session best jump of 2.0 meter, finishing second behind Townsend Roberts of the United States, whose jump was 2.08. Russian Georgia Margivi took the bronze medal. The USA ne gold medal jeeta hai, India ne silver medal and Russia ne bronze medal jeeta hai. Clear? So these are the important current affairs news which we have discussed. I hope you understand this session. Thank you.